पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपसी वाद विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई है। मामला नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 15 लोहापट्टी मार्केट की है। परिवार का एक लौता चिराग जो बुझ गया। मृतक की पहचान अनिल केसरी के 28 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार केसरी के रूप में हुई है। युवक की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर बल के साथ नरकटियागंज SDPO जयप्रकाश सिंह, शिकारपुर थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। सुबह में अभी हम लोग को सूचना मिली कि लोहापट्टी जो मोहल्ला है उसमें गौरव कुमार केसरी की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग आकर के यहाँ देखे हैं। परिवार वाले अभी बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि उनके बगल के हैं, संभवतः संबंधी ही हैं। उनसे दोपहर में झड़प हुआ था, मारपीट हुआ था, उसके बाद ये लोग मारपीट की सूचना थाना में दिए नहीं हैं उस समय का, लेकिन फिर शायद ही जा कर के वोट वगैरह दिए हैं। रात में फिर इनकी तबीयत बिगड़ी है और इलाज के लिए भी लोग ले गए हैं और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। परिवार वाले जब लिख के देंगे तो हम लोग विशेष कुछ आपको बताएंगे और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया मामला क्या है? प्रथम दृष्टया देखिए, परिवार वाले तो यही बोल रहे हैं कि झगड़ा झंझट हुआ जिसमें मारपीट हुआ, एक आध दो जगह उनको जख्म भी शरीर पर दिख रहा है। आरोपी अभी कुछ लिख करके लोग दिए नहीं हैं, परिवार वाले देते हैं तो उसके बाद। कल रात में 9 बजे के आसपास भी इस युवक की प्रकाश नगर जो नहर है वहाँ झगड़ा हुआ था युवक, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं? वहाँ 102 की टीम थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। 102 की टीम गई होगी लेकिन हम लोग को जानकारी में नहीं है कि 9 बजे भी इनका किसी से झंझट हुआ है।